एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल एक बैगन की सब्जी की रेसिपी है जो कि बहुत ही ड्राई बनती है। तो बैगन सेमी ग्रेवी आप कह सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने ऑयल ऐड कर दिया है कढ़ाई में और वो गर्म भी हो चुका है लगभग। उसमें मैं इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर दूंगी एंड जीरा को चटकने दूंगी और कुछ तेज पत्ते ऐड कर दूंगी और इसे भी चटकने दूंगी। इसके बाद इसमें मुझे ऐड करना है लाल मिर्च, जो कि मैं ऐड कर दी हूँ। और लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसे हल्का सा चटकने देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे प्याज। ओके, तो मैं यहाँ पे एक प्याज ली हूँ जिसे मैंने कट कर लिया है। प्याज ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। प्याज को अच्छे से हल्का गुलाबी करना है। प्याज को अच्छे से पहले फ्राई करेंगे और ये सब्जी जो है ना बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे सेमी ग्रेवी बैगन कह सकते हैं या सूखी बैगन कह सकते हैं, एकदम ड्राई। और बैगन को देखिए, अभी मैं बता रही हूँ। और इस सब्जी के लिए प्याज को भी लंबे आकार में ही काटना है। तो देखिए, प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है। अब इस समय मैं ऐड करूँगी अदरक और लहसुन, जो कि ग्रेट करके मैंने रखा है। और ग्रेट करके ही ऐड कीजिए, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसे भी इसी के साथ फ्राई करेंगे। शुरू में हम लोग इसलिए ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो लहसुन जो होता है ना वो तुरंत जल जाएगी, उसका कोई फ्लेवर नहीं आएगा। इस वजह से अभी ऐड की हूँ और उसे हल्का फ्राई करूँगी प्याज के साथ। देखिए, ये हल्का फ्राई हो चुका है, इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। और इस समय से मैं इसमें बैगन जो है वो कट करके रखी हूँ, एकदम सीधे सीधे आकार में, मतलब लंबे कट की हूँ। अब इसे ऐड कर दूंगी और इसे भी इसी के साथ हम फ्राई करेंगे। तो 2 से 3 मिनट लगेगा, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। और देखिए, बैगन मैंने बिल्कुल लंबे लंबे आकार में काटा है। बैगन अच्छे से हल्का फ्राई हो गया है। इस समय पे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और धनिया पत्ता। और हम इसलिए सब एक बार ऐड कर रहे हैं, हमें ना बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है। ये सब्जी जो हम बना रहे हैं इसे बहुत ज़्यादा हमें गलाना नहीं है। ये बहुत ही ड्राई टाइप का, और जैसे कि सभी कुछ का फ्लेवर जो है ना आपके जुआ पे, मतलब आपके मुंह में आना चाहिए, उस टाइप से बनेगी। तो इसे और 2 से 4 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। बैगन जो है बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस समय पे हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में जो हम ऐड करेंगे, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च आप जितना तीखा खाते हो उसके अनुसार ही ऐड कीजिए, जीरा गोलकी का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिकन मसाला, इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून, एंड गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब। मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। और वाटर ऐड करने के बाद इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छे से मसालों के साथ, और मसालों के साथ इसे अच्छे से फ्राई करना है। मसाला भी इसी के साथ फ्राई होगा। और अब मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी स्वाद अनुसार, और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों को अच्छे से फ्राई होने देंगे बैगन के साथ। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इसे मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई करने हैं मसाले। जब तक मसाला पूरा ऑयल नहीं सेपरेट कर दे तब तक आपको इसे अच्छे से फ्राई करना है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है एंड बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके से। एक बार ट्राई करिए आप लोग भी सब्जी बना के, बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे और 1-2 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी। देखिए सब्जी जो है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है और एकदम आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस हम इसे फ्राई बिल्कुल हो चुका है, हम इसमें हल्का सा वाटर ऐड करेंगे और बैगन को ऐसे, बैगन अच्छे से पक चुका है बट हल्का सा उसमें कच्चापन है, इस वजह से हम हल्का सा वाटर ऐड करके और इसे पकने के लिए भी रखेंगे।
दो से चार मिनट में ये पक जाएगा। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा है, इस वजह से हम इसे 2 से 4 मिनट तक पका लेंगे। इसी तरीके से आप इतना ग्रेवी रख भी सकते हैं, इसे सेमी ग्रेवी टाइप से, और ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में, पराठा, रोटी, चपाती या फिर राइस के साथ भी, और नहीं तो फिर आप ड्राई बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। तो सब्जी जो है देखिए बनकर रेडी हो चुका है, एकदम पूरा ड्राई, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी, तो इस तरीके से आप लोग भी एक बार ट्राई करें। सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है बैगन की, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है सूखी। तो आप लोग भी एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रुचि लाइफस्टाइल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए आपको और आप मेरा हर एक वीडियो देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स, और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।